वेलकम टू माई YouTube चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नोटिस राइटिंग। नोटिस एक फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के जैसा होता है। नोटिस में कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन हो सकती है किसी इवेंट के जो होने वाला है, और नोटिस को पर्पसली डिस्प्ले किया जाता है किसी नोटिस बोर्ड पे, चाहे वो स्कूल हो या पब्लिक प्लेस हो। नोटिस जो गवर्नमेंट अगर इशू करती है तो वो न्यूज़पेपर में आता है। हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अ नोटिस की, तो यहाँ पे बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है नोटिस का फॉर्मेट, दूसरा आता है उसका कंटेंट कि कहाँ पे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, हु इज़ कंडक्टिंग इट, और तीसरा ओवरऑल आता है उसका एक्सप्रेशन, उसका फ्लुएंसी। अगर मैं इसकी फॉर्मेट की बात करूँ तो नोटिस को सबसे पहले तो बॉक्स में लिखा जाता है। सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेंटर में लिखा जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि स्कूल का लोकेशन क्या है या इस जगह का लोकेशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको मेंशन करना चाहिए। देन वी राइट द वर्ड नोटिस इन कैपिटल इन द सेंटर। उसके बाद लेफ्ट हैंड पे हम लिखते हैं डेट। डेट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है एक्सपांडेड फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे डेट लिखनी है तो मैं लिखूंगा 20th March 2020। आई विल नॉट राइट एनी शॉर्ट फॉर्म 2003। इस तरह का कोई भी एक्रोनिम मैं यूज़ नहीं करूंगा। उसके बाद आती है हेडिंग, जो कि सेंटर में दी जाती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नोटिस को स्टार्ट किया जाता है। नोटिस की लैंग्वेज बहुत ही फॉर्मल, कर्टियस एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। जैसे हम लिखते हैं दिस इज़ टू इन्फॉर्म, या दिस इज़ टू ब्रिंग टू द पब्लिक्स नोटिस, या आर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग समथिंग। अगर वो कोई इवेंट रिलेटेड नोटिस है तो उसमें आप डेट, टाइम, वेन्यू सारी चीज़ें लिखेंगे। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट, इस तरीके की कंक्लूडिंग लाइन दी जा सकती है। नीचे तीन चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं, विच इज़ द सिग्नेचर, नेम, और ब्रैकेट्स में हम लोग लिखते हैं डेजिग्नेशन, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है। सो आई होप दिस एक्सप्लेनेशन विल हेल्प यू। नाउ हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ नोटिसेस। पहले नोटिस होते हैं किसी मीटिंग के बारे में, तो इसमें हम डिटेल्स रिक्वायर्ड देते हैं, जैसे मीटिंग कहाँ होने वाली है, उसकी कितनी ड्यूरेशन होने वाली है, किस किस को अटेंड करना है, उसका पर्पस क्या है, उसका वेन्यू क्या है। दूसरा नोटिस जो हो सकता है वो हो सकता है नोटिस फॉर एनी इवेंट्स, जैसे हमारे स्कूल्स में कॉम्पिटिशन होते हैं, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी टूर या विजिट पर जा रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स मीट होने वाली है, कोई कल्चरल इवेंट होने वाला है, तो इसके अंतर्गत हमको क्या क्या लिखना पड़ता है, इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, किस ओकेजन पे है, नंबर ऑफ डेज अगर वो टूर या फिर हम विजिट की बात कर रहे हैं, अगर एक्सपेंडिचर उसमें कितना है, पार्टिसिपेशन का कोई कॉस्ट है कि नहीं है। नोटिस अपने आप में बहुत कंप्लीट होना चाहिए। कहने के लिए ऐसे 50-60 वर्ड्स का नोटिस होता है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती हैं। तीसरा हो सकता है नोटिस फॉर अ सेमिनार, वर्कशॉप, डिबेट या अदर लिटरेरी इवेंट्स, जैसे हमारे यहाँ कोई बुक फेयर ऑर्गेनाइज हो रहा है, या फिर हमारे स्कूल में कौन कौन लोग हैं जो उसको अटेंड कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स हमको देनी पड़ती हैं। डेट, टाइम, वेन्यू, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस अगर देनी है, अगर कोई चीफ गेस्ट आने वाले हैं तो उनके बारे में हम बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ नोटिस, फोर्थ टाइप ऑफ नोटिस होता है चेंज ऑफ नेम, रेजिडेंस या कंपनी। ये नोटिसेस बेसिकली न्यूज़पेपर्स में देखे जाते हैं। अगर किसी ने अपना नाम चेंज किया, किस रीज़न से चेंज किया, अगर घर का पता चेंज किया है तो लोग पब्लिक नोटिस निकालते हैं, कंपनी चेंज करी है तो बताते हैं क्यों किया, रीज़न ऑफ चेंज, ये सब स्पेसिफिक किया जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नोटिस इज फॉर लॉस्ट एंड फाउंड। तो इस नोटिस की कैटेगरी में हम ये बताते हैं कि हमारा क्या घूम गया है, आर्टिकल क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, कहाँ पे घुमा था, कहाँ पे हमको मिला है, डेट, टाइम, डेट, अगर आप कोई रिवॉर्ड देना चाहते हैं, किसको कांटेक्ट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। द वेरी लास्ट टाइप ऑफ नोटिस राइटिंग इज़ नोटिस फॉर अपील और वार्निंग। अगर हम चाहते हैं हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए लोगों को अपील करें, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट के कॉजेज के लिए, या वार्निंग के जैसा एक नोटिस देना चाहते हैं कि बच्चे गार्डन में ना जाएं, स्कूल में, प्लेग्राउंड में, या उसको लॉइटर ना करें, वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, कौन सी अथॉरिटी इसको इशू कर रही है, स्लोगन और मैसेज अगर आप देना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आप इसमें देना चाहते हैं, कोई पनिशमेंट अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें इस नोटिस में लाई जा सकती हैं। आई होप यू लाइक द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।